ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के इस सेलिब्रेशन में शामिल हूँ। जब हमने हमारा एक अनस्क्रिप्टेड शो बनाया पहचान, जिसको श्रीता जी ने डायरेक्ट किया और इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो मैं अपने सिख भाइयों के इतने करीब आया और उनकी रूह का एक स्वाद जो मेरे जहन में बैठ गया, मुझे उनकी गहराई का अंदाज़ा तभी हुआ। इतिहास तो हम पढ़ते रहते पन्नों में, मगर जब आप जिंदा लोगों से मिलते हैं ना, फिर आपको वो तहजीब जिस पे ये मज़हब खड़ा है, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई भी समझ आती है। और मैंने अपने भाई दोस्त अवतार गिल से सुना है कि ये फिल्म में वो रूह जो है बहुत खूबसूरती से पेश की गई है, इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में तहलका मचा रही है। तो हमारे लिए ये मुल्क को जगाना है कि भैया हमारे पास एक ऐसी पूंजी है जिसके अगर हम करीब आएँ तो शायद हमारे अंदर जो जंग जाले जो बैठ गए हैं वक्त के साथ में, वो साफ हो जाए। ये मेरा इस फिल्म के साथ जुड़ने का मेन मकसद ये था कि पंजाब की ये पहली मूवी है, एक तो बहुत महंगी मूवी, और दूसरा ये था कि अभी तक पंजाब 50 साल से जितनी फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी, ड्रग और ज़्यादातर उसके गाने, लड़कियां, ये पहली ऐसी मूवी है जो असल पंजाब को दिखाती है कि पंजाबी कैसे होते हैं और कैसे वॉरियर हैं। जब नादर शाह अब्दाली जब उसने इंडिया में हमला किया और उसका ये था कि यहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तान से बच्चे, बहू, बेटियाँ, उन सबको जबरन लेके जा रहे थे और बहुत सारा लूट का माल लेके जा रहे थे, नादर शाह अब्दाली बहुत ही बड़ा वॉरियर था, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। तब सिख लोग आपके मगर महफिल अधूरी है। हाँ जी, मेरे नज़दीक आ जा तू, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती कि जुल्म के खिलाफ कोई बोले। तब सिख लोग जंगल में बहुत छोटे छोटे टुकड़ियों में रहते थे, उन्होंने फैसला किया कि इन बहू बेटियों को छुड़ाना है, तो रात को छोटे टुकड़े होती तो इतने बड़ी फौज से लड़ नहीं सकते थे, रात को 12 बजे जब बजते थे तभी सिख फौज जाती थी छोटे टुकड़े में और उस पर हमला करके बहुत सारे लोगों को छुड़ाना, लूट का माल छुड़ाना। तो नादर शाह अब्दाली बहुत परेशान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो नादर शाह अब्दाली के ऊपर हमला कर रहे हैं। तब उसने जकरिया खान को बोला ये कौन लोग हैं, उसने कहा ये बागी हैं। तो बागी तो हैं कौन, वो सिख हैं तो कहाँ रहते हैं, वो तो रहते हैं जंगलों में और बिना काठी के घोड़ों पर सवार रहते हैं और जो हाथ में उनके हाथ में सामान होता है उससे लड़ लेते हैं। बोले ऐसे कौन मुझे दिखाओ, तो बोले ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है, बोले पकड़ के लाओ। तो जकरिया खान ने एक प्लान बनाया कि ये कहानी हो जाएगी, कहानी बहुत जरूरी है। जकरिया खान ने प्लान बनाया कि इनको सिख दिखाए जाए कैसे हैं, तो वो नकली लोगों ने कहा कि आप लोग एक्टिंग करो सिखों की, तो ये उसको तो नकली जब लोग आए एक्टिंग करनी शुरू की, तो मेन बात यह है कि आप किसी भी धर्म में आपकी प्रेम में आपकी अरदास में बहुत ही पावर होती है। तो वो नकली सिखों ने कहा कि अब तो लड़ना है, प्रे की गुरु नानक महाराज को कि हमारी लाज रखनी है, उसके बाद जब आप मूवी देखोगे, और ये ऐसी मूवी है कि शुरू से लेकर आखिर तक आदमी इसमें रोता ही रहता है, बहुत रब से जुड़ जाता है। तो मेरी मेन वजह इस मूवी को प्रमोट करने की इसलिए थी, मैंने आज तक पंजाबी मूवी में कहीं गया नहीं कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, सिर्फ कॉमेडी होती थी, असली सिख दिखाते नहीं थे, इसलिए मैं जुड़ा हूँ उसके साथ। बहुत बहुत बधाई मस्तानों ने, YPFC का बहुत शुक्रगुजार हूँ, रुबलीन जी का, गुरमीत जी का, मेरी वाइफ तनवी को, मेहंदी जी हमारे साथ, मेन जो हमारे धरोहर हैं साथ में जुड़े हुए, महेश भट्ट साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड अमेरिका, UK, कनाडा तोड़ चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है मूवी।
आप सबकी बहुत दुआएं हैं और सच्चाई की मूवी है, बड़ी बड़ी मेहरबानी। देखिए क्या होता है, जिस तरह आग को पीआरओ की जरूरत नहीं पड़ती, आग अपने आप फैलती है, वाह, उसी तरह से ये फिल्म की जो का जो शोर है दुनिया के कोने कोने में अपने आप जो है उसकी जो रूह है, उसकी पाक रूह है, उसकी वजह से। और जब मैं जैसे मैंने कहा, जब ये पहचान, जब हमने ये अंस्क्रिप्ट के शो किया था, तब मैं अपने सिख भाइयों से मिला, तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, मगर जब हम जिंदा लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो समझ में आता है कि जिसको आप जो मज़हब की जो एक बेसिक सोच है वो इनके अंदर जिंदा है, तभी इन्होंने वो मकाम हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म जो है दुनिया भर में जोड़ने का काम करेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पोलराइज दुनिया हो गई है और उसमें अगर कोई मज़हब का कोई रोल होता है, वो एक ही रोल होता है कि दिलों को करीब लाए, फासले कम करे और हर हालत में अपने जो जो सच जो आपको सिखाया गया है उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हो। ये फिल्म मैंने बनाई नहीं है, मैं सिर्फ इसके इवेंट से जुड़ने आया हूँ, मगर ये मेरा भाई इसमें है और मुझे इसकी बे इंतहा खुशी है कि इसने उस फिल्म में काम किया। बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। बात दूर तक जानी भी चाहिए, वरना फ़ायदा क्या है इनके आने का। और हम जो है वो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, 2 नहीं होते, इतना हौसला है। अगर ये है तो फिर क्या काम है, और हमेशा ही रहें। और आज पंजाबी पिक्चर के लिए आके खड़े हैं क्योंकि इनके अंदर सरदार भाइयों के लिए हमेशा से था। ये 75% सिख तो हो चुके हैं। एग्जैक्टली और 25% हम बाकी का बना देंगे इनको। तो इन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है और आज फिल्म तो और फिल्म ऐसी है कि जिस जिसने देखी है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो एक ही पैगाम है कि सिख जो है वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। ज़्यादा करके लोग किसके लिए लड़ते हैं, जर जोरू ज़मीन, इनकी लड़ाई उन तीनों में से किसी पे नहीं है। ये जिसके ऊपर जुल्म होता है, कमज़ोर के ऊपर, उसके साथ खड़े हैं, बेटियों की असमत के साथ खड़े हैं, बहुओं की असमत के साथ खड़े हैं। जहाँ भी इंसाफ नहीं हो रहा वहाँ ये लड़ने के लिए खड़े हैं और यही इनको गुरुओं से सीख मिली है और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद है और यही ये करते रहे और ये करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, इनको खाने को मिले ना मिले, शाबाशी मिले ना मिले, ये उसकी बात सुन के बस अरदास करते हैं और बोल देते हैं जो बोले सो निहाल। रमलीन साहब आप बोले जरा, आपकी आवाज बहुत जरूरी है, हमारे राइटर हैं ये, इनकी आवाज बहुत जरूरी है। देखिए आज का जो शो है भट्ट साहब का, पहचान टीम और यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम महाराष्ट्र के चैप्टर के सहयोग से हो रहा है। आज सारी स्टार कास्ट जहाँ पे आई है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भट्ट साहब ने हमारी रिक्वेस्ट मानी, यहाँ पे आने की कंसेंट दी। बस रिचा साहब, अवतार गिल जी, दिलेर मेहंदी जी, ये सारे यहाँ पे आना एक बड़े हमारे लिए गर्व की बात है और हम इनका जहाँ पे शुक्रिया करते हैं। एक मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि यहाँ पे बहादुरी की बात हुई है सिखों की, लेकिन सिख सेवा में भी सबसे आगे हैं। कहीं पे भी त्रासदी आती है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, देश का, विदेश का, दुनिया में कोई भी जगह हो वहाँ पे चाहे सिख बस रहे हों या ना हो, लेकिन सिख जो गुरुओं की द्वारा उनको दी गई है सीख सेवा की, उसके समर्पित होके उस जगह पे जाके उन लोगों की सेवा करते हैं। ये मेरे को लगता है हमारे खून में ही है सेवा वाला। तो मैं चाहूँगा कि ये पिक्चर जहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, हम थोड़े दिन के बाद फिर इकट्ठे होएंगे जब पहचान जो हमारी वेब सीरीज़ बनाई है भट्ट साहब की सरपरस्ती में बनी है वो, उसके रिलीज़ पर फिर हम तब भी सिखों की जो सेवा वैलर की बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 2 मिनट कहूँगा, बस रिचा साहब भी 2 मिनट अपने विचार जो है यहाँ पे रखें प्लीज़। अरे आइए सर, आप सेंटर स्टेज में आ जाइए।
अब आए। देखिए जो सिखिज्म है ये इंसानियत का मजहब है, इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का, उस पर कोई फर्क नहीं हो सकता, ना धर्म का ना जाति का। हमारे जो गुरु जो दरबार साहब हैं, जो अपने जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके 1430 पेजेस जिसको हम अंग बोलते हैं, 1430 पेजेस हैं, 48 घंटे लगते हैं पढ़ने में, पर पहला लफ्ज़ पहला वर्ड एक ओंकार भगवान एक है शुरुआत, और एंड में हम क्या बोलते हैं, सर्वत का भला सबका, ना दुश्मनी ना दोस्ती, सब अपने सब। हमारा धर्म ये बोलता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो कभी फैसला करती है कि क्रिश्चियन है या ब्राह्मण है, जब बरसात आती क्या वो देखती है दलित है या मुसलमान है, वैसे बच्चा पैदा होता है वैसे हम संसार से जाते हैं, वही ब्लड ग्रुप है। जब भगवान ही कोई भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, सब हमारे सब महाराज के सब हम उनके जुड़े हुए हैं। इसी तरह प्यार मोहब्बत लेके आपस में आगे बढ़ते चले तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे, तभी हम उसको जवाब दे सकेंगे। ये छोटी छोटी धर्म जाति के ऊपर जो चलती रहती हैं बड़ा दुख होता है, और सिख इस पर विश्वास नहीं करता। जैसे अभी प्रवीण बोल रहे थे कि हम सेवा भी करते हैं, तो वो जो सेवा होती है वो निष्काम होती है, उसमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ सिखों की करूँगा, सारे जो आया उसका सब उसी का है। तो इस तरह की प्यार मोहब्बत का संदेश मैं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, महेश भट्ट हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ हैं, इन्होंने पहचान बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है, और इन्होंने जब ये हम 300 सालवा मना रहे थे गुरु ग्रंथ साहब की, उसको गुरता गद्दी बोलते हैं, तो इन्हीं का जो सबसे 300 साल गुरु दे नाल, आज तक लोग इनविटेशन कार्ड में भी करते थे, इन्होंने किया था। प्रवीण जो है यूथ फेडरेशन में काफ़ी चलता आ रहा है, गिल साहब मेरे बड़े अजीज़ हैं, सबको आपको सबको मेरी शुभेच्छा। इंसानियत के साथ प्यार सिखाते चलो, आप भी पूरी कोशिश करो कि हम सबको अपने साथ लेके चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप संतोष जो है ये भट्ट साहब सुनीता जी आइए कर रहे हैं हमारे लिए, सुनीता जी आइए, क्योंकि पहचान के बाद सिक्खी के साथ जिस तरह भट्ट साहब जुड़े हैं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिक्खी के लिए, ये हमारे डायरेक्टर हैं पहचान शो की, जिस तरह से इन्होंने इस शो के बाद सिखिज्म को ग्रंथ साहब जी पढ़ना और सिखों के बारे में पता करना, उनके बारे में बातें करना, फिल्मों के अंदर अपने सिख कैरेक्टर्स को इस तरह लेके आना जैसे बिल्कुल जीवित कहानियों से लेकर, तो उस तरह का प्यार इन्होंने दिया है। और इस शो के लिए मेरे प्रवीण जी ने जब मुझे फ़ोन किया कि मस्ताने सर ने उससे पहले मुझे पोस्टर भेजा था एक, और मैंने बोला कि ये एक सेवा ही है हमारी तरफ से, सर को मैंने बोला तो ही सेज के अपॉर्चुनिटी है कि सिखों के लिए और सेवा करवा ले मुझसे, तो हम होस्ट करेंगे इन लोगों के ऑनर में बॉम्बे में ये शो, और ये सब सिखों के ऑनर में ये शो हमने किया है। और हमने एक स्टारकास्ट को रिक्वेस्ट किया आने के लिए, दलेर सर आए, बहुत ही मतलब पूरी टीम, प्रवीण जी आए, सर आए, अवतार जी आए, पूरे लोग जो आए उन सबका सर की तरफ से और हमारी तरफ से वेलकम है फ्रॉम द टीम ऑफ पहचान। और यही चाहता हूँ कि इसी तरीके से ऐसे ऐसे शोज़ ऐसे ऐसी फिल्मों को हम लोग सपोर्ट करें और मिलके वी शुड प्रमोट एंड बी टुगेदर, बॉम्बे पंजाब सब इकट्ठे ऐसी फिल्में बनाएं और मिलके काम करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आओ जी, हाँ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पहचान हमारा जो शो है वो बहुत जल्द आ रहा है, वेब सीरीज़ ज़रूर देखिए उसे। दुनिया जो है आज के दिन भाईचारा हो या फिर प्यार मोहब्बत हो, ये सब धीरे धीरे गायब ही हो रहा है। तो ये जो सिखिज्म के ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं सर को पहचान में, उसमें से बहुत बड़ी सीख सबको मिलने वाली है, और इसकी जो एसेंस है ये ज़रूर आपको आपके साथ रहेगी बहुत देर। ज़रूर से पहचान देखिएगा। पहली चीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और पंजाबी फिल्म का ट्रेंड वापस आ रहा है हिंदी फिल्म से ज़्यादा, और मैं यही अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह हिंदी फिल्मों को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें पंजाबी फिल्म को भी करना चाहिए।
क्योंकि कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल की चीज़ें हैं, कमाल की स्टोरी है, कमाल की स्क्रिप्ट है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी अपकमिंग फिल्म है अनीस भाई के साथ, अनीस वज़नी के साथ, जो आने वाली है, जो अगले साल स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं हूँ, शाहिद कपूर है, अनीस वज़नी है, प्रकाश राज है,